कोरबा जिला के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में दूरस्थ वनांचल क्षेत्र कोरबी के हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से आयोजित इस निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर में 1000 से अधिक मरीजों की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों ने की। जरूरत के हिसाब से दवाओं का भी वितरण किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में अनुविभागीय पौड़ी उपरोड़ा के 100 से अधिक गांव सहित कोरबा, कटघोरा एवं पाली के लोगों ने शामिल होकर अपनी स्वास्थ्यगत समस्याओं का इलाज और समाधान प्राप्त किया। शिविर में हड्डी रोग, दांत की बीमारी, शिशु रोग, स्त्री और प्रसूति संबंधी रोग, नेत्र रोग सहित मनोरोगों के सामान्य और गंभीर मरीजों की जाँच की गयी। कोरबी के मेगा स्वास्थ्य शिविर में जांच के दौरान डॉक्टरों ने मुंह के कैंसर की संभावित एक महिला मरीज की भी पहचान की। इस शिविर में एक ही दिन में 135 से अधिक दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बनाए गए। कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि कोरबा जिले के प्रत्येक ब्लॉक में हर माह इस प्रकार के शिविर का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समस्या रहती है। आम जनता को इसका लाभ देने के लिए इस तरह के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जिला खनिज न्यास मत से डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सभी विशेषज्ञ डॉक्टर जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिले में हमने प्लान किया है कि हमारे जो दूरस्थ गाँव है हर ब्लॉक में एक महीने में एक बार स्वास्थ्य शिविर दूरस्थ गाँव में किया जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन कोविड के कारण बंद है और दूरस्थ अंचल के जो व्यक्ति है वो कई बारी जो है परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण और कई बारी अन्य उसके कारण जो है स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाते। और डीएमएल से हमने बहुत सारे डॉक्टर्स की और स्टाफ की नियुक्ति की है, तो ये सभी स्पेशलिस्ट हैं जो जिला अस्पताल में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि इन ब्लॉक में जो है सीएससी में स्पेशलिस्ट की कमी है, तो इन स्पेशलिस्ट की सुविधाओं का लाभ दूरस्थ अंचल के हमारे आम जनता को मिल सके इसके लिए ये शिविर किया गया है। और ऐसा शिविर हर महीने हर ब्लॉक में किया जाएगा। कंसल्टेशन करके जनरल उनको कंसल्टेशन दिया गया है। इसके बाद जो है जिन ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है जिनको सर्जरी की जरूरत, जैसे अभी हमें पता चला कि कैंसर की एक पेशेंट डिटेक्ट हुई है, एक जो है फाइब्रिडोमा की जो है जिनको समस्या है वो डिटेक्ट हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट अभी आइडेंटिफाई शाम तक होंगे जिनको आगे सर्जरी की जरूरत है, उन्हें रायपुर उन्हें या तो जिला चिकित्सालय में या फिर रायपुर में या अन्य प्राइवेट संस्थानों में उनको जो है आगे की पूरी जो है इलाज की व्यवस्था की जाएगी। तो इच्छा ही है भीड़ अधिक से अधिक लोग आए। हमने इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, हमने ये सोचा था 500 से 600 लोग आए, और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन के ऊपर विश्वास है लोगों को कि हेल्थ शिविर में उनका इलाज होगा, इसलिए वो आए हैं। तो अभी भीड़ के कारण थोड़ी अव्यवस्था हुई है, आगामी के शिविर में उन अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।